नमस्कार, मैं हैप्पी सिंगल, आप देख रहे हैं पहरेदार भारत न्यूज़। और ईश्वर धाम से आपको जो तस्वीरें हैं दिखा रहे हैं कि अन्नकूट के मौके पर जो अन्नकूट का भंडारा है वो श्री तारा बाबा जी की कुटिया में चल रहा है। और सिरसा के विधायक गोपाल कांडा यहां पर पहुंचे हैं, दो दिन पहले ही भी अपने आवास पर पहुंचे थे और आज जो भंडारे की शुरुआत है वो उनके द्वारा जो की गई है। और तारा बाबा कुटिया के प्रमुख सेवक भाई गोविंद कांडा जी भी उनके साथ मौजूद हैं। तो बातचीत करते हैं और जानते हैं कि दीपावली के इस त्यौहार पर उनका क्या कहना है। जैसे डायरेक्ट क्या कहेंगे त्योहारी सीजन में आप लोगों के बीच बैठे हैं? देखो, खुशियों का त्यौहार है दीपावली का पर्व, बहुत धूमधाम से सभी देशवासियों ने, सिरसावासियों ने और प्रधानमंत्री जी ने बॉर्डर पे जाके सेना के जवानों के साथ जो मनाया वो एक अद्भुत था कि उनका साहस बढ़ता है। जो हमारे लिए बॉर्डर पे खड़े हैं, हम देशवासी सब उनको नमन करते हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि खुशियों का त्यौहार सभी के लिए खुशियाँ लेके आए। परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूँ कि सभी खुश रहें, प्रदेश और हमारा सिरसा तरक्की करे। जी, हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी तारकेश्वर धाम बाबा तारा जी की कुटिया में ये अन्नकूट का भंडारा चल रहा है और लोग प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। ये उनका आशीर्वाद है और ये सिलसिला यूँ ही चलता रहे, यही प्रार्थना है भगवान भोलेनाथ से। माँ लक्ष्मी की कृपा सब पे बरसती रहे। आप हरोपा से विधायक हैं, आगे आगामी लोकसभा चुनाव में क्या रणनीति बनाएंगे? इन त्योहारों के बाद में रणनीति बनाएंगे, फिर आपको बुला के सब कुछ बताएंगे। अभी फिलहाल क्या है? अभी फिलहाल तो देखो, अभी हरोपा अपना NDA के अंदर है, 38 पार्टियों में एक है। अभी सब बैठ के बात होगी कि किसको क्या ड्यूटी लगती है किसकी, और उसके अकॉर्डिंग सब जिसकी समझ में जो आएगा बैठ के बात करने के बाद में डिसीजन होंगे सर। आपकी वो चर्चाएं तो राजनीति में सब चलती रहती हैं, कोई खास बात नहीं। चर्चाएं क्या रहती बताया ना कि रणनीति बनाएंगे अभी और आपको बताएंगे जब। देखिए, आज सबसे पहले तो मैं सिरसावासियों को, प्रदेशवासियों को, मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से आज सोमवती मावस अन्नकूट की, भैया दूज की मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और माँ लक्ष्मी जी से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे सिरसा शहर, मेरे हरियाणा वासियों पे ऐसे आशीर्वाद बनाए रखना। आज अन्नकूट का भंडारा बाबा तारा जी की कुटिया में हर वर्ष की तरह मनाया जाता है, लेकिन आप देख रहे हैं कि भंडारे के अंदर आज लोगों ने बहुत बड़ा आशीर्वाद लेने के लिए आज यहाँ बाबा तारा कुटिया में लोग आए हुए हैं। बाबा जी का आशीर्वाद लेने के बाद यहाँ भंडारा ग्रहण करते हैं, ये बाबा जी का आशीर्वाद है। और मैं मेरे बाबा जी से यही प्रार्थना करता हूँ कि मेरे सिरसा वासियों पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना।